ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ मेरी जर्नी कैसे रही सो आई बीन एक्टिंग सिंस 2007 एंड पहले मैंने थिएटर किया दिल्ली में 5 साल मैं वहाँ पे था फिर मैं 2 साल लंदन में था आई वेंट टू ड्रामा स्कूल आफ्टर दैट आई मूव टू बॉम्बे वहाँ पे मैंने एक वेब सीरीज की जैसे आपको पता है आयशा माई वर्चुअल गर्लफ्रेंड एंड आयशा 3 साल चली बिटवीन 2016 एंड 2019 दैट्स व्हेन आई डिड दिस फिल्म ऑन द साइड 2018 में इसकी शूट हुई एंड 2019 में ये फिल्म फेस्टिवल्स में गई मेलबर्न शिकागो सिंगापुर बॉम्बे एंड देन इन 2020 वी हैड टू रिलीज द फिल्म एंड देन यू नो व्हाट हैपेंड कोरोना हैपेंड सो नाउ वी आर फाइनली रिलीजिंग द फिल्म एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि देखो हाउ द ऑडियंस टेक्स इट हाँ जी अभी के सिनेमा में क्या बदलाव नजर आता है बीइंग एन एक्टर जी सिनेमा द ऑडियंस इज एनीवेज वेरी स्मार्ट 2005 से एनीवेज बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया सिनेमा में द ऑडियंस इज सीइंग डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्टेंट सो साडा ए वी सी कि पंजाबी सिनेमा भी उवें ही होना चाहिए अड अड किस्म का कॉन्टेंट होना चाहिए पंजाब च भी सो दिस फिल्म थोड़ी जी अड तरीके नाल बनाई गई है प्लीज़ जाके वेखो रंज जी रंज हैगी है जिवें रंजिश होंदी है ठीक है जी इनू कोई चीज़ तो गुस्सा हैगा हुण की गुस्सा है तुसीं फिल्म च देखोगे ठीक है जी बट इट्स लाइक जिवें चाणी हौली हौली उबाली दी सो हुण उहदा गुस्सा हौली हौली वध है सो यू वंस यू सी द फिल्म यू नो कि उहदा गुस्सा क्यों वध है मैटर की है सर मैटर की है हाँ जी मैटर जी तीन चीज़ां हैगियां एक तां हैगी है जी माइग्रेशन माइग्रेशन मतलब आपां छोटे शहर तो वड्डे शहर जाने या छोटे पिंड तो वड्डे शहर जाने काम करन वास्ते एक तो होगी जी माइग्रेशन मतलब पंजाब च ऑपरचुनिटीज़ घट ने हाँ जी सो लोग माइग्रेट करते हैं सो साडा ये है कि वाई इज़ इट दैट माइग्रेशन करनी पैंदी है एक तो होगी जी कि थोड़ी चॉइस है माइग्रेशन हाँ जी वो तो बहुत फर्क चीज़ होगी थोड़ी चॉइस है तुसी जाओ पर जे ऑपरचुनिटी है नहीं तो थोनू धक्के नाल बाहर जाना पै रहा है वो बहुत फर्क चीज़ होंदी है जी सो एक तो फिल्म उहदे बारे गल करदी है दिस इज़ एकता सोडी द एक्ट्रेस हाँ जी उत्तों जी हैगी है फिल्म अर्बन आइसोलेशन उत्ते मतलब तुसीं जे वड्डे शहर पहुँचता जाते हो फिर थोनू उत्थे कल्लापन महसूस होंदा थोड़ी फैमिली नाल नहीं फ्रेंड्स नाल नहीं सो इट्स अबाउट कम्यूनिटी ऑलसो यू नो हाउ कम्यूनिटी हैविंग अ कम्यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कल्ला पैसा अलोन कांट गिव यू एवरीथिंग इन लाइफ एंड जी उत्तों लव स्टोरी भी हैगी है एंड माई लव इंटरेस्ट इज हेयर गल करो इन रंज इज एन आर्ट कैटेगरी मूवी टू स्टार्ट विद बट टेक्निकली वेरी स्ट्रोंग कैरेक्टर बेस्ड फिल्म एंड मैनू लगता है कि कोई ऐसा पार्ट यंग जनरेशन का जो माइग्रेट होंगे है या नॉट विलिंगली जो फोर्सफुली जिन्हें जरूरत है एंड द लव स्टोरीज जो या रिश्ते अरेंज्ड हो चाहे लव रिलेशनशिप्स हों जो वो हर्ट होंगे है विच एंड दे हैव टू फेस विच जर्नी दे हैव टू फेस everything and many more things about Delhi, the people in Delhi. ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਆ ਮੁਕਸਰ ਦਾ ਹੋਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਜੋ ਬਚਪਨ 'ਚ ਦੇਖੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਕੂਲਿੰਗ 10th ਤੱਕ ਸੇਂਟਸ ਕਾਨਵੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਮੁਕਸਰ ਦੀ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਪਕੜ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅੱਛਾ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਫੇਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੀਅਲ ਦਿਖਾਇਆ ਰੀਅਲ ਕੈਰੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਰ ਨੇ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਲੂਜ਼ਲੀ ਬੇਸਡ ਔਨ ਰੀਅਲ ਪੀਪਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨੋਟ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਬਟ ਰੀਅਲ ਪੀਪਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸੋਰੋ ਡਿਸਪੇਅਰ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਲਾਊਡ ਵੀ ਤੇ ਪਰ ਰੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਜੇਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇਜੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਜੇਜੀ ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜੇਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਰੇਕਟਰਸ ਵਿਦ ਬੋਥ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਡਿਸਪੇਅਰ ਬੋਥ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰੰਜ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਏਗਾ ਪਾਰਟ 2 ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ टोटली डिपेंड्स देखो जी इस फिल्म का पता नहीं जो पार्ट टू आएगी बट शी इज ऑलसो शी इज ऑलरेडी वर्किंग इन नेटफ्लिक्स सीरीज कर रही है तो मेरी मतलब ये बार नेक्स्ट प्रोजेक्ट पाइपलाइन है आफ्टर दिस ऑल द बेस्ट फॉर दिस मूवी हैव पब्लिक रिव्यू थैंक यू सो मच थैंक यू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू रीच आउट थैंक यू